उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तल्ख तेवरों से कांग्रेस में तो घमासान मचा ही है, तो वहीं उत्तराखंड की सियासत भी गर्म हो गई है। अब बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस की चुटकी ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में कोई किसी की नहीं सुनता, बस एक ही लड़ाई है, नेता कौन बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा। और इस प्रकार एक हारे हुए युद्ध में छटपटाहट जैसी नजर आ रही। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि ये किसी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसलिए आंतरिक मामले पर हमें कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आंतरिक मामला सड़क पर आ जाए तो तब निश्चित रूप से राजनीतिक दल होने के नाते उस पर हमारा रिएक्शन होना स्वाभाविक है। आज कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में विधानसभा के अंदर 11 विधायक होने के बावजूद 10 से ज्यादा गुट वहां नजर आ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में, प्रदेश अध्यक्ष को जनता के बीच में ना बोलने देना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट और टूट इस प्रकार से 5 साल में नजर आई है। कांग्रेस ने इस 5 साल में जो विपक्ष का उन्हें जनादेश मिला था उसे निभाने में केवल नाकाम ही नहीं हुए, अपितु जनता के बीच में एक विपक्ष के तौर पर जो एक विश्वास अर्जित करना चाहिए था उस विश्वास अर्जित करने में भी वो फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। मित्रों, आज जब भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता के साथ नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवा नेतृत्व के तौर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार निरंतर जनप्रिय लोकप्रिय निर्णय लेकर और जनता को राहत देने का काम कर रही है, जहां हमने पिछले 5 वर्षों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, किसानों की इनकम दुगनी करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी योजनाएं संचालित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात जनता की सेवा में जुटी रही, वही ये लोग केवल आपसी गुटबाजी, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े में इस प्रकार मस्त रहे, इस प्रकार डटे रहे। आज जनता का विश्वास इनके प्रति नहीं है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े आशीर्वाद के साथ 17 से बड़ी विजय की कामना लेकर जो हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम एक अच्छी सरकार बनाकर राज्य में किए गए जितने कार्य हैं या जो कार्य चल रहे हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के भीतर 10 गुट नजर आ रहे थे और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर नाकाम साबित हुई है, ऐसे में 2022 में जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।